हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज का टॉपिक है सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यानी सेल सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम से कंपेयर करना है। छोटी सेल का सरफेस एरिया बड़ी की अपेक्षा अधिक होता है, वो कैसे, यही प्रूव करना है। सेल तो कई शेप की होती हैं, जैसे सिलेंड्रिकल, ओवल, इलोंगेटेड, लेकिन हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्क्वायर शेप है ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए। सेल को जो मेजर करते हैं वो माइक्रोमीटर में करते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ये एक स्क्वायर शेप सेल है, ये सिंगल सेल है और ये स्क्वायर शेप बहुत सारे सेल हैं। वॉल्यूम सेम है दोनों का। छोटी सेल का सरफेस एरिया बड़ी की अपेक्षा ज्यादा होता है, कैसे होता है ये प्रूफ करते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू टोटल फेस। और वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। यानी एरिया को अगर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है वॉल्यूम। एक साइड को एज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू टोटल फेस, ये होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 1 इंटू 1 इंटू 1, लेंथ विड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो देखते हैं, एरिया अपॉन वॉल्यूम 6/1। तो पहली कंडीशन क्या हुई, 6:1 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसमें साइड ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2, लेंथ इंटू विड्थ इंटू टोटल फेस। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। वॉल्यूम 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो रेशियो कितना हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेंटीमीटर क्यूब, 24/8, 3:1 सेंटीमीटर। थर्ड कंडीशन और देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू, इसमें साइड ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू टोटल फेस कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54। वॉल्यूम देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो रेशियो कितना आया, 54/27, 2:1 सेंटीमीटर। तो हमने देखा जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था और यहाँ 3 ले लिया, ठीक है। साइड कितना ले लिया, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यानी वॉल्यूम यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ 27 सेंटीमीटर, यानी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया घट रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं एरिया घट रहा है, क्यों, पहली कंडीशन में कितना था 6, दूसरी कंडीशन में हुआ 3। तो बड़ी सेल का एरिया छोटी की अपेक्षा घट रहा है, यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना है माइटोसिस। माइटोसिस
यानी हाउ डज ए सेल डिवाइड, एक सेल डिवाइड कैसे करती है। एक बार देख लेते हैं, व्हाई डज ए सेल डिवाइड। देखो बेटा, मान लिया ये एक सेल है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिलते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम किसका बना होता है, डीएनए का। डीएनए क्या है, बोस मॉलिक्यूल है जो पूरी सेल पे कंट्रोल करता है। जब सेल ग्रोथ होती है, मान लिया उसने अपना साइज बड़ा कर लिया, डबल कर लिया, और डीएनए का उतना ही रहा सेम ही, क्योंकि डीएनए पूरी सेल पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सेल का तो साइज बढ़ गया और डीएनए उतना ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे एक ऑफिस में एक मैनेजर होता है, और सारी और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबको कंट्रोल करता है मैनेजर, मतलब मैनेजमेंट का काम देखता है मैनेजर, स्टाफ बढ़ गया, मैनेजर एक ही है तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा सबको, मैनेज नहीं कर पाएगा, तो मैनेजर की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह जैसे सेल ग्रोथ हुई डबल होगी तो न्यूक्लियस को भी डबल होना पड़ेगा। मान लिया सेल का साइज 2n हो गया, सेल डबल हो गई, न्यूक्लियस भी डबल हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ। सेल, चूंकि अभी हमने देखा बड़ी सेल का सरफेस एरिया कम होता है, तो क्या हुआ, फूड इंटेक कम होगा। फूड इंटेक कम होगा, जब मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगी तो एनर्जी कम लिबरेट होगी, एनर्जी कम लिबरेट होगी तो जो ये सेल है ये इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसकी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए तो डीएनए को क्या आदेश देना पड़ता है, क्या ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई सेल को डिवाइड कर लो। सेल डिवाइड हो जाती है तो सेल की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए ही सेल डिवीजन होता है। अब समझ में आया सेल क्यों डिवाइड करती है। ओके बच्चों, आज का ये टॉपिक छोटा सा था, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए।